हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के बजट में बुजुर्गों दिव्यांगों को 1000 रुपए पेंशन का किया गया ऐलान। संतों और पुजारियों के लिए बनेगा बोर्ड। सामाजिक सुरक्षा के हुए कई बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 6,15,518.97 लाख रुपए के बजट में योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के कई बड़े ऐलान किए हैं। बुजुर्गों दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह की दर से लगभग 56 लाख वृद्ध जनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए 7,53,56 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस 12 योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट में इस योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो कि वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रति माह व्यक्ति थी उसे भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांग जन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के बजट में योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में से प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु भी 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जागरूक टीवी के लिए लखनऊ से खास रिपोर्ट।